हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिग्लैम एरा। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओजोन का सैंडल फेस पैक। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। प्रोडक्ट का लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस प्रोडक्ट को मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अब देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। तो कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड में प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ब्रांड का नाम एंड कौन सा फेस पैक है ये मेंशन किया हुआ। पीछे आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। ये वाला फेस पैक आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को क्लियर और रिफ्रेशिंग बनाता है। उसके साथ ही ये आपकी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। इस फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट सैंडल है, जो कि आपकी स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट देता है। ये झाइयों, एक्ने और सनबर्न को भी दूर करता है, स्किन को सॉफ्ट सपल बनाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर मैं बात करूं बाकी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसमें कुमकुमा एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक पाउडर, मंजिष्ठा पाउडर, चिरौंजी सीड पाउडर, चिरौंजी सीड ऑयल, नीम लीफ पाउडर और मुल्तानी मिट्टी भी है। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये वाला फेस पैक सभी स्किन टाइप वालों को सूट करने वाला है, तो आप बेफिक्र होकर इस वाले फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आगे बताऊंगी। अगर मैं बात करूं इसके क्वांटिटी की, तो 25 ग्राम्स प्रोडक्ट आपको 25 रुपीस में मिल जाता है। 3 साल की शेल्फ लाइफ भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो अंदर से इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके की है और पैक पर सारी डिटेल्स हैं। ये प्लास्टिक का पैकेट आपको मिलता है, देख सकते हैं, छोटू सा, ट्रेवल फ्रेंडली भी मैं इसको बोल सकती हूँ। तो इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अब देख लेते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 लोगों के लिए फेस पैक बनाया था। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे रोज़ वाटर से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कोई जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाटर मिलन जेल का यूज़ किया है, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जेल भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हमेशा जेल का इस्तेमाल फेस पैक में ज़रूर करना चाहिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ले लेती हूँ इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। फिर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है आपको, अपने अकॉर्डिंग थिक या लाइट, जैसा भी आप बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके का इसका पेस्ट बना लिया है, देख सकते हैं। स्मेल इसकी बहुत ही हल्की है और इसका टेक्सचर हल्का सा दानेदार वाला है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। कोई इरिटेशन इसको लगाने के बाद मुझे नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फेस पैक। जितनी इसकी प्राइस है उस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा फेस पैक आपको मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दे रहा था मुझे लगाने के बाद। 15 से 20 मिनट मैंने इसे अपनी स्किन पर रखा था और इसे उतारने के बाद मेरी स्किन मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी फील हो रही थी। तो मुझे तो ये वाला फेस पैक अच्छा लगा। इतने पैसे में क्या मिलता है यार, परचेज़ करके देख लेना एक बार, बहुत ही अच्छा वाला फेस पैक है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।